हमारे आपके एड्रेस पे हमारे तरफ से आपका लीगल नोटिस भी जा सकता है, उसके रिगार्डिंग आपका जो अमाउंट यहाँ पर पेंडिंग नहीं, है, आपने ये बोला तो सामान जब्त हो जाएगा, गाड़ी जब्त कर लेंगे। हाँ, आपका सामान, आपका कोई भी उस अमाउंट के रिगार्डिंग कोई भी अमाउंट का आपका प्रोडक्ट घर में है तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है ऐसा किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट ना दे पाओ तो सामान जब्त कर लो? हाँ, तो 5 महीने से डिले हो रहा है ना सर। वो छोड़ो, हमको ये बताओ ऐसा कहीं लिखा हुआ है? आप कौन सा सामान जब्त कर लो? जो आपका जो यहाँ पर 5 महीने से डिले हो रहा है, आप टोटल अमाउंट यूज कर लिए। हमें यार तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम झाट नहीं बता रहे हो हमको। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते सर, मैं अर्णव बात कर रहा हूँ इन्हीं कार्ड से। आयुष शर्मा जी हो तो वही सवेरे बात है तुमसे। एक मिनट सर, मैं चेक कर ले रहा। वो तुम भेज रहे थे ना घर पे सामान जब्त करने के लिए? हाँ सर, आपके साथ बात हो चुका था। वो आपने कहा था, बोले थे जो आपका टोटल जो लेट फी चार्जेस है वो आपका हटाया जाएगा तभी आप पेमेंट करेंगे। हाँ, तो मैं पूछना चाहूंगा सर, वो लेट फी चार्जेस के रिगार्डिंग तो मैं जो आपको बताया था सुबह में, आपका आपने बताया था आपने कहा था कि जब्त हो जाएगा सामान। हाँ, आपको मैं बाद में बोला था जो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका डिले हो गया है इतना मन, फिर आप ज्यादा डिले करते हैं तो आपका हमारे आपके एड्रेस पे हमारे तरफ से आपका लीगल नोटिस भी जा सकता है, उसके रिगार्डिंग आपका जो अमाउंट यहाँ पर पेंडिंग नहीं है, आपने ये बोला तो सामान जब्त हो जाएगा, गाड़ी जब्त कर लेंगे। आपका सामान, आपका कोई भी उस अमाउंट के रिगार्डिंग कोई भी अमाउंट का आपका प्रोडक्ट घर में है तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है ऐसा किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर पेमेंट ना दे पाओ तो सामान जब्त कर लो? हाँ, तो 5 महीने से डिले हो रहा है ना सर। वो छोड़ो, हमको ये बताओ ऐसा कहीं लिखा हुआ है? आप कौन सा सामान जब्त कर लो? जो आपका जो यहाँ पर 5 महीने से डिले हो रहा है, आप टोटल अमाउंट यूज कर लिए। हमें यार तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम झाट नहीं बता रहे हो हमको। सर, आपका तो देखिए जो सामान जब्त होगा ये आरबीआई का रूल आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग ये है कि सामान जब्त कर लो। हाँ, ऑब्वियसली आपने कौन सी आईपीसी के तहत है? कौन सी आईपीसी के तहत है सर? जब आपका नोटिस मिल रहा है, आईपीसी बताओ ना। अभी तो हम लोग आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बताएंगे ना सर। अरे हम खुद हम खुद वकील है, हमको आईपीसी बताओ, हम ये कह रहे हैं। अच्छा, आप खुद वकील है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पता होगा ना तो फिर सर। अरे हम सही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा नया लॉ आया? हम भाई पूछना चाह रहे हैं आपसे, ऐसा कौन सा नया लॉ आया है कि सामान जब्त कर लोगे? आप जब वकील है तो आपको तो सब रिगार्डिंग पता होगा। अरे आपने हमें बताया, हम तभी पूछे, ऐसा तो कोई लॉ होता नहीं। आपने हमें बताया तो हमने कहा लॉ आपसे पूछ लिया, ऐसा कौन सा लॉ आया है, कौन सी आईपीसी के तहत ऐसा कोई लॉ आ गया है, पेन निकाल दिया है कि सामान जब्त कर लो? बता दे रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ बताओ, लाइन पे बने रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। लाइन पर है? हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा जो 1881-200-07 के तहत आपको 138 के धाराएं दिया जाएगा और 25 धारा के अनुसार आपका सामान भी जब्त हो जाए। किसके तहत होगा? सॉरी, 138 सर। अच्छा, 1000 यस। 100 आईपीसी है, आईपीसी बता रहा हूँ। 138 यस सर। अच्छा, इसमें क्या होता है? 138 आईपीसी 138 ना? सॉरी, आईपीसी 138 आ रहा है, सुन पा रहे? अरे हम सुन पा रहे, हम कह रहे हैं आईपीसी 138 ना, धारा 138 बोल रहे हो ना? धारा है 25, धारा 138 बोल रहे हो ना? 138 138 2007 के तहत धारा है 138 एंड 25 के तहत आपको आपका जो अमाउंट आपने यूज किया है ना उसके रिगार्डिंग आपका सामान भी जब्त हो सकता है। जिसकी गांव में मदर चोद दम हो, सामान जब्त करके दिखा दे। और ये भोसड़ी के जो धारा हमको बता रहे हो ना, सुन लो मादर चोद, पहले जो धारा बता रहे हो ना, ये पता क्या होती है? 138 पहले बेटा, अबेटमेंट ऑफ इंसुरेशन बाय सोल्जर एंड सेलर ऑफ एयरमैन, ठीक है? जो धारा तुम हमको बता रहे हो, बकचोदी जो हमको बता रहे हो ये, और ये आप थोड़ा एक बार ठीक से कर लीजिए, सुन लो पहले, ये इंस्ट्रूमेंट होता है 86 के तहत, ठीक है? ओके, पहले पूरी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, चोरी करना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं वही मैं पूछने के लिए रिपीट कॉल किया हूँ सर। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, ये बकचोदियाँ किसी और को बताना, आप धारा जो हमको बता रहे हो चोदना बता रहे हो, किसी और को चोदना बताना, और ऑन कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुम्हारी कि तुम कह रहे हो हमसे सामान जब्त कर लोगे, तो एक गांव ना फड़वा दी तो बोसड़े कहना, तुम जहाँ बैठो वहीं से उठवा देंगे अभी। अच्छा हाँ, तो आप 5 महीने से डिले भी कर रहे हैं और आपका मनमानी भी, क्या बोला अभी बताना चाह रहे हैं? क्या बोला बोसड़े की, किसी को धमकाना किसी और को है कि ये कर देंगे वो धमकाना, जो प्रोसीजर है वो आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको एजुकेट किया जा रहा है। कितने बड़े आपको बताया जा रहा है, कितने बड़े बैंक आपको धमकी, आपको धमकी नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या होता है, भोसड़े के सामान जब्त कर लेंगे, गाड़ी जब्त कर लेंगे, लौड़ा जब्त कर लेंगे, झांटे भी जब्त कर लेंगे। तो आपने, आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं ना सर? हमने क्या बोला, झांटे भी जब्त कर लेना मेरी और सीधी करते रहना फिर उसको। अच्छा, जो आप लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी तो आपको ऐसे फ्रॉड ना सर, हम लोग ऐसे ना फ्रॉड लोगों के साथ, ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ बकचोदियां बताते हैं, धारा 138 और धारा 126 और धारा 100। आप जेन्युइन, आप जेन्युइन कस्टमर होते तो 5 महीने से डीले तो नहीं करते। तुम जेन्युइन एजेंट होते तो हमसे बकचोदियां तो ना करते ना। हाँ, तो जेन्युइन आप कस्टमर होते तो आपके पास इतना बार तो कॉल नहीं किया जाता ना सर। तुम जेन्युइन एजेंट होते हैं, जेन्युइन आप जेन्युइन है पहले बताइए, आप जेन्युइन होते तो आप इतना दिन रोकते आपका अमाउंट। आज आपका लास्ट डेट है, आप आज के डेट में भी आपने 6 महीने से अमाउंट रोक के रखा है, आप भी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पेमेंट करने का। भोसड़ी के बता तो चुके हैं, कई बार बताएंगे कर देंगे जब अपने आप इंटरेस्ट हटाओ सारा कर देंगे। अपने आप का इंटरेस्ट कोई भी कंपनी आपको इतना रिलियंस देगा, अपने आप पेमेंट करवाएंगे, समझ लें। अपने आप बताइए, आप जो लॉ सिखा रहे हैं हमको, समझ लें, बता रहे उसके रिगार्डिंग आप समझ लें। आप वकील लेना तो आप हमको बताइए कौन से तहत आप इतना अमाउंट आप रोके 6 महीने से। अरे सुनो 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 बेटा बताइए बेटा। नहीं सर, पहले आप बताइए, आप जब उठाए है बात, आप तो बता, आप बता सकते हैं ना मेरे जान। सुन लो, नहीं सर आप बताइए, सुन लो बेटा, बताइए, सुन लो, हाँ बताइए, सुन ले, बताइए। चोरी ना किसी और से करना, और भोसड़े की जो धारा हमको, तुम देखिए हम भी बैड लैंग्वेज यूज कर सकते, ठीक है, आप तो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, हम भी ऐसा यूज कर सकते हैं, आप अकेला नहीं यूज करते, हमारा भी मुंह है। सुनो, सुनो, हम भी यूज नहीं कर पाते, तुम्हारे लोग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ बताओ। हेलो हेलो, हाँ ये शर्मा जी से बात कर लेते, सुनील जी से। किससे? सुनील जी से। हाँ सुनील शर्मा, इनका साड़ी का काम है 555 साड़ी हाउस। क्या हाउस नंबर? क्या साड़ी हाउस है ना, 555 दरियागंज, इसमें चांदनी चौक में। दरियागंज में क्या आया है आप जानते हो? नहीं जानते? सुनील कुमार शर्मा। हाँ जानते हैं, क्या आया है दरियागंज में? मतलब इनकी साड़ी की शॉप है ना? नहीं भैया, साड़ी वाड़ी की शॉप नहीं है, है? ये तो अपने साड़ी का ही बताते हैं। पता नहीं भैया, कहाँ से बोल लो? मैं सर बैंक से बात कर रहा हूँ। कौन से बैंक से? पेंडिंग थी कोटक सर। क्या पेंडिंग? कोटक कार्ड की पेमेंट। आप कौन बात कर रहे हैं सर इनके बीच में? अरे यार सुनील शर्मा की पेमेंट, सुनील शर्मा जी के पास कार्ड है क्या कोटक का? हाँ। अच्छा, ये लक्ष्मी नगर रहते हैं सर, मैं एड्रेस बता देता हूँ, लक्ष्मी नगर में। हाँ हाँ हाँ, चले जाओ घर फिर भाई, गलत नंबर लगा दिया आपने। आप डिटेल तो है।